जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धनीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर प्रमुख शब्दावली के बारे में। हम आज चर्चा करने वाले हैं ये शब्दावली कौन कौन सी है, इनका पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो हम प्रमुख शब्दावली पढ़ने वाले हैं ये इनके पीछे का जो पढ़ने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे जो सिलेबस के अंदर प्रमुख कई सारी लगभग 50 से 60 के बीच में डिजीज दे रही है और उन डिजीज के बारे में हमको पढ़ना है। तो उन डिजीज के बारे में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वो किन की वजह से हो रही है और उसके द्वारा जो प्लांट के ऊपर अटैक किया जा रहा है उसके द्वारा कौन से सिम्टम बताए जा रहे हैं ताकि उनका हम कंट्रोल कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ शब्दावली देखेंगे। उन शब्दावली के आधार पर आपको यह पता चल जाएगा कि अगर किसी पैथोजन के द्वारा कोई सी पर्टिकुलर डिजीज हो रही है तो उस डिजीज के कौन से सिम्टम बनेंगे। अगर वो सिम्टम हमें पहचान में आ गए तो हम उनका जो कंट्रोल मेजर उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी मेजरमेंट अपनाएंगे वो हमारे थोड़ा आसान हो जाएंगे और हम किसानों को भी अगर इनके बारे में एडवाइस देंगे तो भी हम थोड़ा उनको बता सकते हैं कि अगर ये आपको लक्षण इस प्रकार के सिम्टम दिखाई दे, लक्षण दिखाई दे तो आपको इस केमिकल का स्प्रे करना है, ये आपको कल्चरल प्रैक्टिस करनी है, ये आपको बायोलॉजिकल प्रैक्टिस के अंदर उनको फॉलो करना है ताकि हमारी फसल है उसको किसी प्रकार का नुकसान है और हम आर्थिक नुकसान हम बच सके, ठीक है ना। इसके पीछे का एक प्रमुख उद्देश्य तो ये है और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि न्यू टाइप के अंदर सीधा सीधा प्रश्न दे दिया जाता है कि किस पैथोजन का नाम दे दिया जाता है और उस पैथोजन के द्वारा कौन से किस प्रकार के सिम्टम दर्शाए जाते हैं वो न्यू टाइप के अंदर भी पूछ सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर से भी हमें पूछे जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रमुख शब्दावलियों के नाम देखेंगे और उसके बाद में उन शब्दावलियों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये शब्दावली किस प्रकार के लक्षण दर्शाती है, किस पैथोजन की वजह से होता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाले सेशन में हमने पैथोजन का जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो कवकों का जो वर्गीकरण किया था, जो प्लांट के अंदर जो ज़्यादातर बीमारियाँ होती है वो कवकों से होती है, ये हमने पहले देखा था। तो उसमें हमने देखा कि जो कवक हैं उनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर कर सकते हैं। तो हमने जो पी एस अकांडा ने जो वर्गीकरण किया था वो हमने देखा था, जिन्होंने अपना जो वर्गीकरण का आधार रखा था वो रखा था माइसिलियम और सेक्सुअल मेथड की जो विधियाँ होती हैं उनके आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। उसके अंदर हमने जो कवक था उनको 4 भागों में बांटा था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर उनको विभक्त किया था। इनके अंदर कौन कौन से हमारे कवक आते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी एक ट्रिक के माध्यम से। अगर वो ट्रिक आपको अच्छे से याद है तो आप यकीन मान के चलिए कि आपके एग्जाम के अंदर 100% उनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रमुख शब्दावलियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर शब्दावलियों के नाम बता देता हूँ कि इन शब्दावलियों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे प्रमुख शब्दावलियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउनी मॉल्ड्यू, ठीक है ना। डाउनी मॉल्ड्यू क्या होता है इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, इसके सिम्टम किस प्रकार के बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं वो भी हम देखेंगे। डाउनी मॉल्ड्यू के बारे में चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे हम पाउडरी मॉल्ड्यू के बारे में, एक चर्चा करेंगे हम स्मट के बारे में, ठीक है ना। स्मट के बारे में चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे हम रस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे हम रस्ट के बारे में चर्चा करेंगे, एक करेंगे हम ब्लास्ट के बारे में चर्चा करेंगे, इस पर इसके क्या सिम्टम होते हैं, एक हम चर्चा करेंगे डाई बैग सिम्टम क्या होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे मोज़ेक सिम्टम क्या होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे हम स्केब। ये जो मैं सभी आपको ये नाम दिखा रहा हूँ ये पैथोजन के होने, जब पैथोजन होस्ट प्लांट यानी कि जो हमारा जो पौधा होता है उस पर अगर अटैक कर देते हैं तो उनके बाद में इस प्रकार के जो सिम्टम दर्शाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम चर्चा करेंगे डाउनी मॉल्ड्यू, स्मट, रस्ट, ब्लास्ट, डाईबैग के बारे में, मोज़ेक के बारे में, स्केब के बारे में, और एक चर्चा करेंगे हम हाइपरट्रोफी, एक चर्चा करेंगे हम हाइपरप्लेसिया, एक चर्चा करेंगे हम पैथोजन क्या होता है, एक चर्चा करेंगे हम डिजीज़ क्या होती है, ठीक है ना, एक चर्चा करेंगे हम वेक्टर क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एक चर्चा करेंगे हम क्लोरोसिस क्या होता है, एक चर्चा करेंगे हम इटियोलेशन क्या होता है। इनके हम मैं आपको हिंदी नाम भी बता दूंगा, सबसे पहले आप इंग्लिश नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम के अंदर ये इंग्लिश टर्म ही हमको दिया जाता है, ठीक है ना। एक हम चर्चा करेंगे इट्यूलेशन क्या होता है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसमें पैरासाइट क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम चर्चा करेंगे मोनोसाइक्लिक और एक चर्चा करेंगे हम पोलियटिक डिजीज, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि मोनोसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होती है, पोलियोटिक डिजीज क्या होती है। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे इसमें अल्टरनेट होस्ट क्या होता है एक हम चर्चा करेंगे कोलेट्रल होस्ट क्या होता है, एक हम इसमें देखेंगे होस्ट क्या होता है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और कुछ बचा हुआ तो वो देख लेते हैं हम। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे सिस्टेमिक
सिस्टेमिक क्या होता है, यानी कि सर्वांगी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सिस्टेमिक हमारा फंगिसाइड हो सकता है, सिस्टेमिक हमारा पैथोजन हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे पैथोवार क्या होता है, जिसको शॉर्ट में हम पीवी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हम चर्चा करेंगे एंटीबायोटिक क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक चर्चा करेंगे हम फाइलोडी क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये प्रमुख और भी कई सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और एक इसमें इंपॉर्टेंट ओवर हो गया, एक हो जाएगा हमारे विल्ट, ठीक है ना। विल्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना, और ईटीसी। तो ये जो प्रमुख आपके सामने ये मैंने शब्दावली लिखी है, ये शब्दावली काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। एक बार सबसे पहले हम इनमें से देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी देखने हैं। मैं आपको हिंदी में इनके नाम बता देता हूँ। डाउनी माल्टी जो होती है, डाउनी माल्टी को हम मर्दू रोमिल आशिता के नाम से जानते हैं। पाउटी माल्टी जो होती है, इसको छाछा रोग, या फिर हम कह सकते हैं छाछा रोग के इसके नाम छाछा के नाम से इसको जाना जाता है। स्मट जो होता है, स्मट को हम कंडवा के नाम से जानते हैं। रस्ट जो होती है, इसको हम रोली के नाम से जानते हैं। ब्लास्ट जो होता है, इसको झुलसा के नाम से, डाई बेग को इंग्लिश में हिंदी इसको डाई बेग ही लिखा जाता है, यानी कि या फिर हम कह सकते हैं उल्टा सूखना हो जाएगा। मोजे को हम मोजे के नाम से जानते हैं, और स्केप को स्केप के नाम से, और हाइपरट्रॉफी को अतिवर्धन, और एक होता है अतिवृद्धि होते हैं। दोनों को आप देख लेना, लेकिन इंग्लिश टर्म याद रखना आप। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया क्या होता है ये हमको देखना है। पैथोजन के बारे में देखना है, यानी कि रोगजनक क्या होता है, डिजीज रोग क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वहाँ कौन सा होता है, क्लोरोसिस क्या होता है, इट्यूलेशन यानी कि इसको पांडुरता कहते हैं, ये क्या होता है, पैरासाइट परजीवी क्या होता है, एक चक्रीय बीमारी क्या होती है, बहुचक्रीय बीमारी क्या होती है, और बहुवर्षीय बीमारी क्या होती है, ये देखना हमको। अल्टरनेट एकांतर परपोसी किसे कहते हैं, एकांतर परपोसी, और ये भी जो कोलेट्रल जो होस्ट होता है, ये होता है अल्टरनेट के होस्ट के जैसे, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। होस्ट यानी कि परपोसी क्या होता है, सिस्टेमिक क्या होता है, यानी कि सर्वांगी जो सिम्टम होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर सर्वांगी कवकनाशी वो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। पैथोवार के बारे में देखेंगे, इसको हिंदी में पैथोवार के नाम से भी लिखा जाता है, एंटीबायोटिक को प्रतिजैविक के नाम से लिखा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फाइलोडी क्या होता है ये हम देखेंगे, और विल्ट यानी कि उकठा, या फिर इसको उकठा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये लगभग आपके सामने जो मैंने 20 से 25 जो नाम लिखे हैं ये पैथोलॉजी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, हमें इसके बारे में होना चाहिए, क्योंकि न्यू टाइप के अंदर सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। कि जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, जैसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया कि डाउनी माल्ट्यू डिजीज जो होती है, या फिर डाउनी माल्ट्यू के सिम्टम क्या है, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन दे देंगे, तो उसके अंदर हमको चूज करना पड़ेगा कि डाउनी माल्ट्यू के क्या सिम्टम होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम एक एक करके बीमारियों को देखते हैं, इनके जो सिम्टम होते हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाउनी माल्ट्यू के बारे में हम चर्चा करते हैं कि डाउनी माल्ट्यू क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप हेडिंग डालना डाउनी माल्ट्यू, आप हेडिंग डालना डाउनी माल्ट्यू, आप इसमें हेडिंग डालना डाउनी माल्ट्यू। अब हम सबसे पहले डाउनी माल्ट्यू के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, डाउनी माल्ट्यू, डाउनी माल्ट्यू, डाउनी माल्ट्यू, या फिर इसको हिंदी में लिखते हैं मर्दू रोमिल आशिता। क्या लिखते हैं इसको हिंदी में, हम मर्दू रोमिल आशिता के नाम से जानते हैं। यानी कि डाउनी माल्ट्यू का अगर प्लांट के अंदर अगर कोई पैथोजन है जो डाउनी माल्ट्यू जो अगर सिम्टम शो कर रहा है, तो उसकी वृद्धि कहाँ पर होगी। अगर डाउनी माल्ट्यू हमें दे दिया जाए शब्द, और डाउनी माल्ट्यू का अर्थ क्या होता है, तो डाउनी माल्ट्यू का अर्थ होता है पत्ती की निचली सतह पर कपासीय कवकीय वृद्धि। वन लाइन में आपसे पूछा जाए कि डाउनी माल्ट्यू का अर्थ क्या होता है, तो डाउनी माल्ट्यू का अर्थ होता है पत्ती की निचली सतह पर कपासीय कवकीय वृद्धि को क्या कहते हैं हम, डाउनी माल्ट्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और अगर इंग्लिश वाला हो तो वो लिखना कोटनी फंगल ग्रोथ के नाम से हम जानते हैं, या फिर आपसे टर्म दे दिया जाएगा आपको कि कोटनी फंगल ग्रोथ किसके द्वारा शो की जाती है, दर्शाई जाती है पौधे के अंदर, तो वो हो जाएगा हमारे डाउनी माल्ट्यू करने वाले जितने भी पैथोजन होंगे वो क्या करेंगे, कोटनी फंगल या कपासी कव की वृद्धि दर्शाएंगे। कहाँ पर दर्शाएंगे, पत्ती की निचली सतह पर कपासी कव की वृद्धि दिखाएंगे, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा कवक है जो डाउनी माल्ट्यू दर्शाएगा, ठीक है ना। तो डाउनी माल्ट्यू की बात करें तो एक कवक का नाम याद रखना है आपको, स्क्लेरोस्पोरा एक कवक का नाम याद रखना है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, तो इसके द्वारा पत्ती की निचली सतह पर कपासीय कवक की वृद्धि सिम्टम दर्शाए जाते हैं, और यह इसी प्रकार से यह पौधे को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो पहला टर्म था वो होता है कौन सा, डाउनी माल्ट्यू कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि डाउनी माल्ट्यू का अगर केवल हम वन लाइन की बात कर रहे हैं, वन लाइन के अंदर डाउनी माल्ट्यू कहते किसे, लेकिन अगर हम ब्रीफ में देखेंगे इसको, तो ब्रीफ में इसके कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं। सबसे पहले ये जो अटैक करता है वो
कोमल भागों पर करता है और जैसे ही पत्ती की निचली सतह पर यह वृद्धि होती है तो उसमें फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है और इसी के साथ साथ में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो बनने वाला जो फूड होता है भोजन होता है वो नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा धीरे धीरे अपनी वृद्धि को कम कर देता है और साथ ही साथ में हमें जो उत्पादन प्राप्त होना जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता और हमें आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता है। ये इसके कुछ कमी के लक्षण होते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा पहला जो होता है वो कंप्लीट होता है। दूसरा टर्म हम देखते हैं पाउटी माल्टी के बारे में। दूसरा जो टर्म है वो कौन सा हो जाएगा हमारे, पाउटी माल्टी, ठीक है ना। पाउटी माल्टी की चर्चा करें तो पाउटी माल्टी को हम किस नाम से जानते हैं, इसको हिंदी में हम छाँचा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, छाँचा के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करें कि ये कहाँ पर लक्षण दिखाएगा, आपने कहा ये जो पाउडरी माल्टी जो कवक होता है ये अपने सिम्टम कहाँ पर दिखाएगा, तो ये दिखाएगा पत्ती की, पाउडरी माल्टी जो है पत्ती की ऊपरी सतह पर, पत्ती की ऊपरी सतह पर सफ़ेद कवक वृद्धि दिखाएगा, ठीक है ना। जो पत्ती की ऊपरी सतह पर कौन सी वृद्धि दिखाएगा, सफ़ेद कवक की वृद्धि दिखाई देगा, यानी कि हम कह सकते हैं इसको वाइट वाइट फंगल फंगल ग्रोथ दिखाएगा। और कहाँ पर दिखाएगा, तो पत्ती की ऊपरी सतह पर दिखाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो वन लाइन के अंदर पूछा जाता है कि जो पाउडरी माल्टी होता है ये किस प्रकार के सिम्टम दर्शाता है, तो ये ऊपरी सतह पर सफ़ेद कवक की वृद्धि दिखाता है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक उदाहरण याद रखना है आपको, इरिसाइपी कवक याद रखना है, ये कवक का नाम है इरिसाइपी। और ये कौन सा डिजीज कोज करता है, तो ये करता है हमारे पाउडरी माल्टी किसके अंदर करता है, एक तो जीरे के अंदर पाउडरी माल्टी कोज करता है और ये क्या करता है बेर के अंदर पाउडरी माल्टी कोज करता है, जिसका जो मेन सिम्टम होता है वो होता है सफेद कवक की वृद्धि, इसका प्रमुख लक्षण होता है, ठीक है ना। और भी कई सारे लक्षण होते हैं लेकिन हम केवल वन लाइन की बात कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर सीधा सीधा वन लाइन के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्मट के बारे में, ठीक है ना। स्मट के बारे में चर्चा करें तो स्मट का जो सबसे पहला जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो स्मट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथियों जंग लगना। अब हम देखते हैं स्मट के बारे में, ठीक है ना। स्मट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, तो स्मट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साथियों जंग लगना। क्या लगना, जंग लगना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। वन लाइन के अंदर पूछा जाए कि स्मट का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ वो होता है जंग लगना। इसके ऊपर जंग लगना तो ये होता है वायुवीय भागों पर जंग लगना, ठीक है ना। वायुवीय भागों पर जंग लगना, या फिर इसी को कह सकते हैं हम वायुवीय भागों पर जंग लगना, या फिर वायुवीय भागों पर जंगदार स्पॉट बनना, ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। मेन जो सिम्टम होता है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी पूरी जो रामायण होती है वो हमें नहीं पढ़नी है, केवल हमें मेन सिम्टम पता होना चाहिए। इसके बाद में इसके आधार पर हम कुछ चीज़ें तो ऑटोमेटिक अपने आधार पर लिख सकते हैं। तो स्मट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है, जंग लगना होता है। जो जंग कहाँ पर लगती है, तो पौधे के जितने भी वायु विभाग होते हैं, वायु विभाग कौन कौन से हो जाएंगे, तो जड़ को छोड़ के जिसमें तना आ गए, हमारे पत्तियाँ आ गई, फूल आ गए, हमारे पुष्पीय भाग आ गए, छोटी छोटी जो निकलने वाली जो कलियाँ हो गई, जो भी शाखाएं होंगी वो सारी चीज़ें आ गई, तो इन सभी के ऊपर क्या लगते हैं, जंगदार स्पॉट लगते हैं। और ये इसके पहचाने का मुख्य सिम्टम होता है किसका, स्मट का, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना, वन लाइन के अंदर। इसके बाद हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसके एग्जांपल की बात करें हम, तो ये आ जाएगा हमारे स्मट, जैसे हम बात करें तो ये आ जाएगा अष्टी लेगो नामक एक कवक होता है। इस कवक के द्वारा गेहूं और जो के अंदर स्मट डिजीज की जाती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसमें गेहूं के अंदर स्मट जो होता है वो लूज स्मट होता है, और जो के अंदर जो स्मट होता है वो होता है हमारे कवर्ड स्मट होता है, ये हमें याद रखना है। और इन दोनों का जो रोग कारक होता है, पैथोजन जो होता है, वो अष्टी लेगो होता है, और इसके अलग अलग प्रजातियां ये स्मट डिजीज कोज करती हैं। और इसके बाद में एक और भी स्मट आता है, जैसे ग्रैंड स्मट आता है, ये हमें याद रखना है, गन्ने के अंदर लगता है। एक वही भी स्मट लगता है, वो भी किसके द्वारा होता है, अष्टी लेगो से होता है। इसकी अलग अलग प्रजातियां होती है, जैसे हम बात करें जो गन्ना होता है, गन्ने के अंदर जो वही भी स्मट लगता है वो होता है अष्टी लेगो। सिटासीमिया माध्यम का एक नामक एक फंगस होता है, उसके द्वारा होता है। और लूज स्मट अष्टलेगो न्यूडोट्रिटिसाइस होता है। जो कवर्ड स्मट होता है वो अष्टलेगो होर्डाइस होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। जो मेन जो फंगस होता है वो यही होता है जो स्मट डिजीज कोज करता है। और इनके जो पहचाने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, वायु भागों पर क्या होगा, हमें जंगदार स्पॉट दिखाई देंगे और वो सारे इनको धीरे धीरे क्या करेंगे, वो पौधे को क्षति पहुंचाएंगे और हमारा जो अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो हमें उत्पादन में कमी प्राप्त होगी, ठीक है ना। ये होता है हमारे स्मट के बारे में, हमें ये याद रखना है वन लाइन के अंदर। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं रस्ट, ठीक है ना। रस्ट की बात करें तो रस्ट का अर्थ क्या होता है, तो रस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस्ट का शाब्दिक अर्थ होता है इसमें, रस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काला चूर्ण। क्या होता है, रस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस्ट का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है काला चूर्ण। और ये काला चूर्ण कहां पर दिखाई देता है हमको, पुष्पीय भागों पर ये काला चूर्ण हमको दिखाई देता है, ठीक है ना। जो रस्ट होती है इसका अर्थ क्या होता है, काला चूर्ण जो कहाँ पर दिखाई देता है, पुष्पीय भागों पर, या फिर अगर इंग्लिश में हम लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में हो जाएगा यहाँ चारकोल लाइक
पाउडर, चारकोल लाइक पाउडर जो किसके द्वारा होता है, रश के द्वारा होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। चारकोल यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोयला जैसा चूर्ण या फिर काला चूर्ण, जो चारकोल लाइक पाउडर होगा और ये कहाँ पर होगा, पुष्पी भागों पर होगा, और इसके नुकसान की क्षति क्या होती है, तो ये जो नुकसान पहुंचाता है रश्ट, ये क्या करता है, तो पुष्पी भागों पर जैसे ही ये चारकोल लाइक पाउडर बन जाता है, तो उस कंडीशन में जब हम गेहूं की इनकी कटाई करते हैं, जो रश्ट होता है वो गेहूं के अंदर लगता है। जैसे हम गेहूं की कटाई करते हैं, तो जब कटाई के दौरान ये हमारे मुंह पर जो भी किसान इसको काटता है वो उसके मुंह पर आने लगता है, और मुंह पर आने के कारण उसके कई सारे श्वास संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं किसान को, तो ये हमें याद रखना, ठीक है ना। ये इसका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं रश्ट के, ये हमें याद रखना है। और इसका हम उदाहरण की बात करें, तो जो रश्ट और डिजीज जो होती है वो कौन करता है, तो पक्सिनिया, पक्सिनिया नाम से एक कवक होता है, ये इसके द्वारा कॉज की जाती है, पैथोजन का नाम है एक पक्सिनिया, और इसके द्वारा तीन तरह की रश्ट की जाती है। पक्सिनिया की अलग अलग स्पीसीज होती है, जिसके अंदर स्टेम रश्ट अलग आता है, ब्राउन रश्ट अलग आता है, और एक आता है हमारे येलो स्ट्रिप रश्ट आता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये तीन प्रकार की रश्ट होती है, ये भी हमें याद रखना, और किसके द्वारा कॉज की जाती है, तो पक्सिनिया के द्वारा की जाती है। मेन सिम्टम क्या होता है, तो चारकोल लाइक पाउडर दिखाई देता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम लास्ट डिजीज के ऊपर चर्चा करते हैं, ब्लास्ट के ऊपर हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से आप, उसके बाद में हम ब्लास्ट के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ब्लास्ट के बारे में अब हम ब्लास्ट के बारे में देखें, तो ब्लास्ट का जो अर्थ होता है वो क्या अर्थ होता है, इसके नाम से स्पष्ट चल रहा है। ब्लास्ट का अर्थ क्या होता है, तो जला हुआ। ब्लास्ट का अर्थ क्या होता है, जला हुआ या जली हुई आकृति का होना, ठीक है ना। और ये जो ब्लास्ट होता है, जैसे ही अगर ब्लास्ट के सिम्टम की बात करें, तो ब्लास्ट का जो मेन सिम्टम क्या होता है, जला हुआ, यानी कि अगर इसका अगर जो भी इसका पैथोजन होगा वो अगर किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर लीफ पर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो लीफ कैसी होगी, हमें जली सी दिखाई देगी। अगर तने पर नुकसान पहुंचा रहा है तो वो तना हमें जला हुआ से दिखाई देगा, तो वो इसका प्रमुख सिम्टम होता है। तो जला हुआ या जली हुई आकृति के समान हमें इसका जो भी वायु विभाग होता है वो दिखाई देते हैं। इसका अगर हम उदाहरण की बात करें, तो जैसे हो जाएगा राइस ब्लास्ट, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, राइस ब्लास्ट हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। जो कैसा होता है, जो जले जैसे इसके सिम्टम हमको दिखाई देते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लास्ट का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं डाईबेक, की अगर हम चर्चा करते हैं, तो डाईबेक का अर्थ क्या होता है, तो डाई का अर्थ होता है मरा हुआ, और बेक का अर्थ होता है पीछे से। डाई का अर्थ क्या होता है, मरा हुआ, और बेक का अर्थ होता है पीछे से, यानी कि ऊपर से जो पौधा होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखता दिखाई देता है, हमें सूखता हुआ दिखाई, ऊपर से सूखता हुआ हमें दिखाई देता है। यानी कि अगर हम बात करें, कई सारे ऐसे पौधे होते हैं जो नीचे से सूखते हुए ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन डाईबेक अगर किसी पौधे के अंदर हो रहा है डिजीज, तो ये क्या होगा, ऊपर से पौधे का जो एरियल पार्ट होता है वहां से सूखता हुआ नीचे की तरफ जमीन की तरफ आएगा, और ऐसे सिम्टम अगर दिखाई देते हैं तो वो डाईबेक की निशानी होगी। और इसका हम उदाहरण की बात करें, तो ये किस में होता है डाईबेक, तो ये होता है ज़्यादातर तो नींबू के अंदर होता है, एक तो नींबू प्लस एक होता है मिर्च के अंदर, ठीक है ना। नींबू और मिर्च का डाईबेक, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो डाईबेक का अर्थ क्या होता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हुए आना या ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो हमारे डाईबेक की पहचान होगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा डाईबेक कंप्लीट होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम अलग जो बाकी जो हमारे बचे हुए हैं जो शब्दावली उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट आगे, अगली जो हमारी शब्दावली आ जाएगी वो आ जाएगी होस्ट, ठीक है ना। होस्ट से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम होस्ट के बारे में देखते हैं, तो होस्ट क्या होता है, तो ऐसा पौधा या होस्ट का अर्थ होता है, इसको परपोषी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, परपोषी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा जीव या ऐसा पौधा जो परजीवी को आश्रय देता है उसे हम होस्ट कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसा पैथोजन, क्योंकि यहाँ पर हम किसके बारे में चर्चा करते हैं, प्रमुख शब्दावली के बारे में किस में कर रहे हैं, पैथोलॉजी के अंदर चर्चा कर रहे हैं। तो पैथोलॉजी के अंदर कौन आता है, पैथोजन, तो हम कह सकते हैं पैथोजन को आश्रय देने वाला पौधा, पैथोजन को आश्रय देने वाला पौधा हमारे क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा होस्ट या परपोषी कहलाता है। और जैसे ही ये आश्रय देता है तो वो वहाँ से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, रहने के लिए अपना आवास ढूंढता है, और वहाँ पर रहकर उस पौधे को नुकसान पहुँचाता है, ठीक है ना। तो हम उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण हो जाएगा इसमें कवक सारे, ठीक है ना। क्योंकि जो कवक होते हैं सारे वो किस रूप में काम करते हैं, पैथोजन के रूप में कार्य करते हैं, और जो भी कवक होगा वो अगर जिस पौधे पर नुकसान पहुंचाएगा वो उसके लिए किस प्रकार का काम करेगा, होस्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अल्टरनेट होस्ट का अर्थ होता है ऐसा पौधा जो मुख्य पौधे के अल्टरनेट होस्ट की चर्चा करें, तो अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, तो अल्टरनेट का अर्थ होता है एकांतर, या और दूसरा होस्ट का अर्थ हो जाएगा पोषी, यानी कि एक ऐसा जीव या पौधा जो मुख्य पौधे की
मुख्य पौधे की अनुपस्थिति में रोगजनक के जीवन चक्र को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करता है। ऐसे जीव या ऐसे पौधे को हम अल्टरनेट होस्ट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि एक ऐसा पौधा होगा जो क्या करेगा, जो मुख्य पौधा जिस पर पैथोजन जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, अगर वो वहाँ पर नहीं पाया जाता है तो उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वो किसी दूसरे पौधे पर अपना जीवन यापन करने लगेगा और अपनी लाइफ साइकिल पूर्ण करेगा। उसी पौधे को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट होस्ट के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें गन्ने के अंदर जो जो वीट होता है उसके अंदर जो रस्ट डिजीज जो लगती है उसका जो रोगकारक होता है वो पक्सिनिया होता है। और पक्सिनिया कुछ समय के लिए गेहूं पर अपना लाइफ साइकिल, जब तक गेहूं का पौधा रहेगा उस पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, लेकिन जैसे ही गेहूं की हम कटाई कर लेते हैं तो ये उस गेहूं के जो खेत होगा उसके आसपास एक इसको झाड़ी दिखाई देती है या फिर एक पौधा दिखाई देता है बारबरी। इस पर ये जो पौधा होता है, इस पौधे पर जाकर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसी बारबरी को क्या नाम देते हैं हम, अल्टरनेट होस्ट के नाम से जानते हैं। अगर बारबरी नहीं मिलेगी इसको तो थेलिक्ट्रम मिलेगा। क्या मिलेगा? टेलेक्ट्रा मिलेगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं हम, अल्टरनेट होस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो अल्टरनेट जो होता है, अल्टरनेट होस्ट जो होता है, ये सेम फैमिली का हो सकता है। जो अल्टरनेट जो होस्ट होता है सेम फैमिली का हो सकता है। और जो कोलेट्रल जो होस्ट होता है उसकी जो डेफिनेशन तो एक ही होगी, अल्टरनेट होस्ट और जो कोलेट्रल जो होस्ट होगा उसकी डेफिनेशन सेम होती है। लेकिन अल्टरनेट जो होस्ट होता है ये सेम फैमिली का हो सकता है, लेकिन जो कोलेट्रल जो होस्ट होगा उसकी जो फैमिली होगी वो सेम फैमिली नहीं होगी। ये इन दोनों में माइनर डिफरेंट है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हाइपरप्लेसिया, ठीक है ना। हाइपरट्रोफी, ठीक है ना। ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होती है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हाइपरप्लेसिया जो टर्म होता है इसका अर्थ क्या होता है और हाइपरट्रोफी का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, ये हम देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो भी जीव या होस्ट है उस पर अगर पैथोजन लगा हुआ है, जो भी जीव या फिर होस्ट है अगर उसके ऊपर पैथोजन यानी कि रोगजनक उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो रोगजनक जैसे ही नुकसान पहुंचाता है तो उसके अंदर जो टिश्यू और जो सेल होती है, ध्यान से सुनना जो मैं टर्म बोल रहा हूँ, जो भी जीव या होस्ट है जिसके ऊपर पैथोजन नुकसान पहुंचा रहा है, जो रोगजनक है वो नुकसान पहुंचा रहा है, अगर नुकसान पहुंचाता है तो उस कंडीशन में जो भी पौधा होता है उसके अंदर जो भी कोशिकाएं और जो ऊतक पाए जाते हैं उन ऊतकों में क्या होता है, जो भी ऊतक होते हैं इन ऊतकों के अगर कोशिकाएँ हैं, ऊतक के अंदर कोशिकाएँ पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगी तो उसे हम हाइपरप्लेसिया कहेंगे। अगर जो रोगजनक जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं और नुकसान के दौरान ऊतक के अंदर पाई जाने वाली जो सेल होती हैं सेल की साइज यानी आकार में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसे हम हाइपरट्रोफी के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो सेल की साइज बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरट्रोफी कहलाता है। और सेल की नंबर या संख्या बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेसिया कहलाता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो एक टर्म याद रखना आप ट्रोफी और एक याद रखना प्लेसिया, ठीक है ना। ट्रोफी याद रखना क्योंकि ट्रोफी अलग अलग आकार की होती है और बड़ी भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है, तो उस आधार पर याद रखना साइज, ठीक है ना, क्योंकि ट्रोफी निर्जीव होती है, इसको अपन जिस शेप में देना चाहें उसका आकार बढ़ा सकते हैं, तो उसी के आधार पर याद रखना। अगर सेल की साइज बढ़ती है तो हाइपरट्रोफी, और अगर सेल की संख्या कम होती है तो वो हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ में ये टर्म हमारे कंप्लीट होता है। और अगर आप इनके एग्जांपल लिखना चाहो कि किस पैथोजन या रोगजनक के द्वारा ये दोनों कंडीशन दिखाई देती है, तो सरसों के अंदर एक रोग लगता है सरसों की सफेद रोली रोग लगता है जो एल्बुगो कैंडिडेटा नामक कवक से होती है, ये हमें याद रखना है। अगर जैसे ही एल्बुगो कैंडिडेटा नुकसान पहुंचाएगा तो वो क्या करेगा, ये दोनों सिम्टम शो करेगा, ठीक है ना। हाइपरप्लेसिया भी दर्शाएगा और हाइपरट्रोफी भी दर्शाएगा, किसके अंदर, सरसों के पौधे के अंदर, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम डिजीज की तरफ आगे बढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, तो तुरंत प्रभाव से लाइक शेयर और अपने साथियों के साथ में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। अगला हम अब देखते हैं डिजीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं, किसके बारे में, डिजीज़ के बारे में, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ की बात करें तो डिजीज़ को किस नाम से जानते हैं, तो डिजीज़ को हम हिंदी में रोग के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब रोग क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं डिजीज़ की चर्चा करें तो डिजीज़ क्या होती है, तो पौधे की स्वस्थ अवस्था यानी कि पौधे की जो नॉर्मल स्टेज होती है, अगर उस किसी भी पौधे के अंदर नॉर्मल स्टेज या सामान्य अवस्था से अगर उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देने लग जाए, पौधे के अंदर आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखाई देने लग जाए, तो उस अवस्था को हम क्या नाम देते हैं, रोग नाम देते हैं। तो जो पौधा होता है
पौधों की सामान्य अवस्था से पौधों की सामान्य अवस्था से अलग दिखाई देने वाली अलग दिखाई देने वाली अवस्था जिसमें क्या होता है बाह्य प्लस आंतरिक परिवर्तन होते हैं उसके अंदर क्या होता है बाह्य प्लस आंतरिक परिवर्तन होते हैं अलग दिखाई देने वाली अवस्था को रोग कहते हैं। ये हम याद रखना ठीक है ना। तो रोग किसे कहते हैं जो नॉर्मल जो स्टेज होती है प्लांट की सामान्य जो अवस्था होती है जिसके अंदर खूब फल फूल बढ़ रहा होता है किसी प्रकार के उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होती किसी प्रकार के ऊपर उसका पैथोजन नहीं होता है लेकिन अगर पैथोजन उसके ऊपर अटैक कर देता है और अटैक करने के बाद में उसके जैसे अटैक करता है और उसके द्वारा जो परिवर्तन होते हैं जिसमें कौन से परिवर्तन होते हैं आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन होते हैं पौधे के अंदर उसी परिवर्तन को क्या नाम देते हैं हम रोग नाम देते हैं क्या नाम देते हैं रोग नाम देते हैं। और किसी भी रोग को कंप्लीट होने के लिए कोई सा भी डिजीज जो होती है उस डिजीज को कंप्लीट होने के लिए याद रखना किसी भी डिजीज को कंप्लीट होने के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। कितनी तीन चीज़ें होनी चाहिए तीन चीज़ होनी चाहिए होस्ट प्लस पैथोजन प्लस इन्वायरमेंट ठीक है ना। ये तीन चीज़ होनी चाहिए अगर ये तीनों चीज़ अगर फेवरेबल हैं तभी हमारा जो जो डिजीज़ है उसकी साइकिल कंप्लीट हो पाएगी ये हमें याद रखना ठीक है ना। और कहीं कहीं जगह इन्वायरमेंट के साथ में टाइम भी लिखा हुआ होता है तो टाइम का भी रोल रहता है किसी में तीन होती है किसी में चार होती है। तो अगर ये चारों कंडीशन अगर किसी पैथोजन के लिए फेवरेबल हैं तभी जाकर उस जो पैथोजन है उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो पाती है ये हमें याद रखना ठीक है ना। अगर इनमें से हम किसी एक को भी हटा दें पैथोजन को हटा दें इन्वायरमेंट को हटा दें टाइम को हटा दें या फिर होस्ट को हटा दें किसी एक को भी इसमें से हम अगर रिमूव कर देते हैं वो डिजीज़ नहीं हो पाएगी और वो अपना लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट नहीं कर पाएगी ये हमें याद रखना ठीक है ना। उसके बाद में हम डिजीज़ के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं मोनोसाइक्लिक डिजीज़ क्या होती है ठीक है ना। मोनोसाइक्लिक डिजीज़ क्या होती है उसके बाद हम देखेंगे पॉलीएटिक डिजीज़ क्या होती है ठीक है ना। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पैथोलॉजी 311 की क्लास ली थी तब मैंने आपको इन डिजीज़ के बारे में बताया था लेकिन पेपर के अंदर इनमें से प्रश्न आ जाते हैं तो इनके बारे में हम फटाफट से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ठीक है ना। तो मोनोसाइक्लिक डिजीज़ क्या होती है तो ऐसी बीमारी जो एक सीजन के अंदर ऐसी बीमारी या ऐसा रोग चक्र जो एक सीजन में केवल एक बार दिखाई देता है ऐसी बीमारी को हम क्या नाम देते हैं मोनोसाइक्लिक या हम कह सकते हैं एक चक्रीय बीमारी के नाम से जानते हैं यानी कि एक सीजन में केवल एक बार ही जो होती है बीमारी उसे हम मोनोसाइक्लिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं। अगर आप पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ की बात करें तो ऐसी बीमारी जो एक सीजन में कई बार दिखाई दें तो उस बीमारी को हम पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं यानी एक सीजन में वो अपनी कई लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है उसे हम पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं ये हमें पता होना चाहिए ठीक है ना। इसी प्रकार हम पॉलीएटिक डिजीज़ की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा कई वर्षों में एक चक्र पूर्ण करें ठीक है ना। यानी कि ऐसी बीमारी जो कई वर्षों में केवल एक जीवन चक्र पूर्ण करे उस बीमारी को हम पॉलीएटिक डिजीज़ के नाम से जानते हैं ये हमें पता होना चाहिए ठीक है ना। तो तीनों टर्म कंप्लीट हो गए होंगे मोनोसाइक्लिक एक सीजन में केवल एक बार दिखाई देगी पॉलीसाइक्लिक डिजीज़ क्या होती है तो एक सीजन में कई बार अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेगी पॉलीएटिक डिजीज़ क्या होती है तो कई वर्षों में केवल एक बार अगर लाइफ साइकिल पूर्ण करती है तो वो हमारी पॉलीएटिक डिजीज़ कहलाती है ये हमें पता होना चाहिए ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। उसके बाद में हम देखते हैं वेक्टर यानी कि इसको हिंदी में हम वाहक के नाम से जानते हैं ये हमें पता होना चाहिए ठीक है ना। वेक्टर की बात करें वेक्टर क्या होता है तो कोई भी बीमारी होती है उस बीमारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने के लिए जिस माध्यम में वो फैलती है उसको फैलाने के लिए जो जिम्मेदार कारक होता है उसको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं यानी कि क्या वेक्टर क्या होता है तो एक बीमारी को दूसरी जगह फैलाने के लिए जो कारक जिम्मेदार होता है उस कारक को हम वेक्टर के नाम से जानते हैं। कोई भी एक क्षेत्र में बीमारी लग रही है उस क्षेत्र को जहाँ पर वह नहीं है उस जगह पर अगर कोई कारक लेकर जा रहा है और वहाँ पर संक्रमण पैदा कर रहा है तो उसको हम वेक्टर के नाम से जानते हैं ये हमें पता होना चाहिए ठीक है ना। जैसे हम बात करें वायरल जो डिजीज़ होती है जितनी भी वायरस जनित डिजीज़ होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी पहुँच पाती है जब अगर कोई उसमें मध्यस्थता या फिर कारक कार्य करेगा उसी को हम वेक्टर कहते हैं। जैसे हम बात करें सफ़ेद मक्खी क्या करती है तो यह जो टमाटर का जो पर्णकुंचन जो रोग होता है उसको एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर फैलाना है तो वो सफ़ेद मक्खी फैलाएगी। अगर सफ़ेद मक्खी को हम हटा देंगे वहाँ से तो टमाटर का जो पर्णकुंचन रोग है वो एक ही जगह रहेगा और उसको एक ही जगह हम कंट्रोल कर लेते हैं ठीक है ना। तो वायरल डिजीज़ को अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसको हमें पैथोजन को नहीं मारना है हमें उसके वेक्टर को मारना है। अगर हमने वेक्टर को खत्म कर दिया तो हमारा जो डिजीज़ होगी वो वहीं स्वतः ही खत्म हो जाएगी और हमारी फसल है जो वो सुरक्षित रह जाएगी ये हमें याद रखना ठीक है ना। इसी के साथ हमारा वेक्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद में एक टर्म आता है इनोकुलम वो हम आगे देखते हैं आगे इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद में हम इनोकुलम की चर्चा करते हैं ठीक है ना। अब इसके बाद में हम इनोकुलम की चर्चा करते हैं
अब हम इसमें देखते हैं इनोकुलम। इनोकुलम का अर्थ क्या होता है? तो इनोकुलम को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं? निवेशित द्रव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? निवेशित द्रव। तो इनोकुलम, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इनोकुलम के बारे में हम चर्चा करते हैं। इनोकुलम का अर्थ क्या होता है? तो पहली बार जब किसी पैथोजन के द्वारा किसी पौधे पर संक्रमण स्थापित किया जाता है, उस क्रिया को हम इनोकुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इनोकुलम के नाम से। तो पहली बार पैथोजन का होस्ट के संपर्क में आना वह रोग उत्पन्न करना क्या कहलाता है? हमारे इनोकुलम कहलाता है। इनोकुलम क्या होता है? तो पहली बार अगर जो भी हमारा रोगजनक है वो होस्ट यानी कि परपोषी पौधा है उसके संपर्क में आएगा और वो पहले जाकर अगर वहाँ पर वो जाकर इन्फेक्शन स्टार्ट कर देता है तो उसे हम निवेशित द्रव या इनोकुलम के नाम से जानते हैं। अब ये जो इनोकुलम होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राइमरी इनोकुलम, और एक होता है सेकेंडरी इनोकुलम, ठीक है ना। प्राइमरी इनोकुलम और सेकेंडरी इनोकुलम। प्राइमरी इनोकुलम की डेफिनेशन क्या होती है? जो इनोकुलम की जो डेफिनेशन होती है वही प्राइमरी इनोकुलम की होती है। यानी कि प्राइमरी इनोकुलम क्या हो जाएगा? जब पहली बार जो पौधा होता है वो रोगजनक के संपर्क में आता है और इन्फेक्शन उसमें स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर आंतरिक एवं बाह्य जो भी परिवर्तन होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, तो वो तो हम किस में रखेंगे? प्राथमिक इनोकुलम में रखेंगे, ठीक है ना। अगर अब हम चर्चा करते हैं सेकेंडरी इनोकुलम। सेकेंडरी इनोकुलम किसे कहते हैं? जब प्राथमिक इनोकुलम के द्वारा कोई प्राथमिक इनोकुलम जो उसके अंदर प्राथमिक इनोकुलम में हमने देखा था कि जो उसमें क्या होता है? आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन होते हैं। अब वो बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तन जिस इन्फेक्शन के माध्यम से हो रहा है उस इन्फेक्शन से पौधे के अन्य भागों में अगर वो डिजीज फैलती है तो उसे हम सेकेंडरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेकेंडरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं। आप सभी इधर ध्यान देना, मान लीजिए ये एक लीफ है, ठीक है ना, ये लीफ है, एक पत्ती है। अगर मान लीजिए प्राइमरी इनोकुलम में क्या हुआ, कोई भी जैसे मान लीजिए सोइल बोन डिजीज थी, ये सोइल बोन डिजीज क्या करेगी? सबसे पहले पत्ती पर आकर यहाँ पर आकर इन्फेक्शन स्टार्ट किया, ठीक है ना। इन्फेक्शन स्टार्ट किया तो ये तो हो जाएगा हमारे प्राइमरी इनोकुलम, ठीक है ना। अब यहाँ से इसका तो रोल खत्म हो गया, इसने तो इन्फेक्शन स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब प्राइमरी इनोकुलम करेगा, अब यहाँ पर इसका इन्फेक्शन हो रहा है। अब यहाँ से अब पत्ती का जो शेष भाग, जो इधर वाला जो भाग बचा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग बचा हुआ है, ये क्या है? फ्री इन्फेक्शन है, यानी कि इसमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, संक्रमण स्थापित नहीं हुआ है, केवल इधर वाले भाग में हुआ। अगर बीमारी यहाँ से इस भाग से पौधे के दूसरे भागों में भी फैल जाएगी, इस पूरी क्रिया को हम सेकेंडरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी इनोकुलम के नाम से जानते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो उम्मीद है आप सभी को पता चल गया होगा कि प्राइमरी इनोकुलम किसे कहते हैं, सेकेंडरी इनोकुलम किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इनोकुलम क्या होता है ये हमने देखा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। अब हम इसके अंदर देखते हैं विल्ट। किसके बारे में देखते हैं? विल्ट। अब हम विल्ट के बारे में चर्चा करते हैं। विल्ट क्या होता है? तो विल्ट का अर्थ क्या होता है? तो विल्ट का जो अर्थ होता है इसको हिंदी में हम उकठा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उकठा के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। और कई कई बार इसको केवल विल्ट भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये तीनों टर्म एक ही होते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो एक ही होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं विल्ट का अर्थ क्या होता है। तो विल्ट का जो अर्थ होता है वो होता है संवहन उत्तक का अवरुद्ध होना। संवहन उत्तक का अवरुद्ध होना किसके लक्षण है? तो वो हो जाएंगे विल्ट डिजीज। यानी कि अगर कहीं पे भी आपको अगर विल्ट डिजीज दिखाई दे तो उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, या फिर आपसे मिल जाएगी कि संवहन ऊतक अवरुद्ध हो जाते हैं, और संवहन ऊतक जैसे अवरुद्ध होते हैं तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट ऊपर नहीं पहुंच पाते और पौधा सूखने लगता है, मुरझाने लगता है। तो अगर आपको मान लीजिए ये कोई हमारा एक प्लांट है, ठीक है ना, ये मान लीजिए ये कोई हमारा प्लांट है, ठीक है ना, ये हमारा कोई पौधा है, ठीक है ना, ये कोई पौधा है, ये इसका रूट जोन है, ठीक है ना, ये हमारा प्लांट है। इस प्लांट में क्या हो गया? पूरा जो संवहन बंडल थे, संवहन ऊतक जितने भी थे वो सारे अवरुद्ध हो गए, जाइलम फ्लोएम में अवरुद्ध हो गए। और अवरुद्ध होने की वजह से क्या हुआ? पौधे में हमें इस वाला जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट हमको मुरझाने, इसमें पानी की कमी हो गई या फिर ये मुरझाया हुआ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और आपसे पूछे कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये मुरझा क्यों रहा है, इसके पीछे का प्रमुख कारण है क्या है, तो आप क्या बताओगे? इसके संवहन ऊतक अवरुद्ध हो गए हैं, तो इसमें विल्ट डिजीज लग रही है, यानी कि सोइल बोन डिजीज लग रही है, ठीक है ना। और ये जो विल्ट डिजीज होती है किस वजह से होती है? ये कवक होता है फ्यूजेरियम। कौन सा कवक होता है? फ्यूजेरियम नामक एक कवक होता है। इस कवक की वजह से हमारे संवहन जो ऊतक होते हैं ये बिल्कुल ही खत्म अवरुद्ध हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट नहीं जा पाते हैं, और न्यूट्रिएंट जैसे नहीं पहुंचते हैं पौधे के अन्य भागों में तो वो पौधा सूखने लगता है और धीरे धीरे वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और एक इस कंडीशन में एक याद रखना है कि इसके अंदर पूरा पौधा नहीं सूखता है। इस जो विल्ट डिजीज होती है इसके अंदर पूरा पौधा नहीं सूखता, पौधे का कुछ भाग सूख जाता है। जैसे हम बात करें, हो सकता है पौधे का टॉप वाला भाग है वो सूख जाता है, हो सकता है साइड वाला भाग सूख जाए, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। पूरा पौधा कभी नहीं सूखेगा, सबसे पहले कुछ भाग ही सूखेंगे। हो सकता है बड़ा पौधा है तो उसकी दो तीन टहनियां सूख जाए, सूखने लग जाएगी, तो वो इंडिकेट कर देता है कि दो तीन टहनियां सूखने लगती है, तो वो इंडिकेट कर देता है उसके अंदर कौन सी डिजीज लग रही है, विल्ट डिजीज लग रही है, और उसमें
जो समान ऊतक हैं वो अवरुद्ध हो गए हैं और उसको हमें कंट्रोल मेजर अपनाने की आवश्यकता है, ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। अब ये जो विल्ट डिजीज होती है किस किस में होती है, ये हमारे कपास के अंदर होती है, हमारे सिलेबस के अंदर दे रखा है, चने में होती है, ये हमें याद रखना है, इसके अतिरिक्त अरहर में होती है, ये हमें याद रखना है, इसके अतिरिक्त अमरूद के अंदर होती है, ये भी हमें याद रखना है, ठीक है ना। तो ये कई सारी बीमारियां होती है, कई सारी फसलों के अंदर होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है ना। विल्ट डिजीज का जो मेन सिम्टम क्या होता है, वो होता है जो समान ऊतक होते हैं उनका अवरुद्ध होना, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। समान ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम से पौधे के सभी भागों के अंदर जल एवं खनिज लवण पहुंचते हैं, और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के माध्यम से पत्तियों में बना हुआ जो भोजन होता है वो पौधे के सभी भागों में वितरण होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं, उसके बाद में हमारे अगला टर्म आता है डंपिंग ऑफ को आद्र पतन के नाम से भी जानते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। आद्र पतन के नाम से जानते हैं, डंपिंग ऑफ का अर्थ क्या होता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है ना। डंपिंग ऑफ का अर्थ क्या होता है ये हम देख लेते हैं, डंपिंग ऑफ का अर्थ क्या होता है, तो इसको हिंदी में हम आद्र पतन के नाम से जानते हैं। अब ये आद्र पतन क्या होता है, तो ये आद्र पतन क्या होता है, तो जो नवजात पौधे होते हैं, नवजात पौधे का तना जमीन की सतह से सड़कर या गलकर, नवजात पौधे का जो तना होता है वो जमीन सतह से गलकर पौधे नष्ट हो जाते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, डंपिंग ऑफ कहते हैं। यानी कि डंपिंग ऑफ का अर्थ क्या होता है, तो डंपिंग ऑफ का अर्थ वन लाइन में पूछे तो वन लाइन में हो जाएगा, पौधे जो नवजात जो पौधे होते हैं उनका जो मुख्य तना होता है वो जमीन सतह से क्या हो जाता है, गल जाता है या सड़ जाता है, और उसकी वजह से पौधा जो होता है वो नष्ट हो जाता है, गिर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डंपिंग ऑफ कहते हैं। और ये डंपिंग ऑफ ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो कहाँ पर होती है, तो ये नर्सरी में होती है, नर्सरी में होने वाली ये बीमारी होती है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि नर्सरी में सबसे जो ज़्यादा घातक जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, तो वो डंपिंग ऑफ होती है। और नर्सरी में हम क्या कराते हैं, जनरली प्लांट को ग्रो करवाते हैं, नर्सरी में हम क्या करते हैं, तो जो भी पादप होते हैं, पौधशाला है, नर्सरी में हम क्या करते हैं, पौधशाला तैयार करते हैं, क्या करते हैं, नर्सरी में हम पौधशाला तैयार करते हैं। और पौधशाला में क्या करते हैं, कई सारे हम पौधे लगाते हैं, कई सारे इसके अंदर पौधे लगाते हैं, उनको नुकसान होती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं पौधशाला में या फिर जिन जिनके हम नर्सरी तैयार करते हैं उन सभी फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर या जो भी फल वृक्ष होते हैं जिनके हम नर्सरी लगाते हैं उनके सभी के अंदर क्या होता है, डंपिंग ऑफ होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और डंपिंग ऑफ का जो प्रमुख कारण होता है वो कौन सा कवक होता है, तो वो होता है पीथियम स्पीसीज होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। पीथियम स्पीसीज एक कवक होता है, इस कवक की वजह से क्या होता है, डंपिंग ऑफ होती है। अब ये जो डंपिंग ऑफ होती है इसमें आर्द्रगलन में क्या होता है, तो ये जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है उस कंडीशन में जो पीथियम स्पीसीज जो कवक होता है उसकी सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है। और जैसे इसकी सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है ये क्या करता है, जमीन के सतह से, ये मान लीजिए हमारी एक नर्सरी है, मान लीजिए ये हमारी नर्सरी और इसमें हमने क्या लगा रखा है, पौधे लगा रखे, ठीक है ना, ये पौधे लगा रखे हैं। अब ये पौधे जैसे ही अगर इसमें हमने ज़्यादा पानी भर दिया या फिर बरसात ज़्यादा हो गई या फिर जहाँ का क्लाइमेट ऐसी है जहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर हमने नर्सरी लगा रखी है, किसी की भी नर्सरी लगा रखी है, उस कंडीशन में क्या होगा, या इस पौधे की जो मुख्य तना होगा वो जमीन सतह से क्या हो जाएगा, गल जाएगा। और जैसे ही गल जाएगा ये पौधे क्या हो जाएंगे, गल जाने के बाद में पौधे नीचे इस प्रकार से गिर जाएंगे, ठीक है ना। नीचे ये पौधे जो होंगे वो नीचे इस प्रकार से गिर जाएंगे, यहाँ से टूट कर या फिर गल कर ये नीचे इस प्रकार से गिर जाएंगे। और इसी क्रिया को क्या नाम देते हैं, इसी क्रिया को डंपिंग ऑफ नाम देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही घातक होती है। अब हम चर्चा करते हैं किसकी वजह से होती है, पीथियम स्पीसीज की वजह से होती है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये किन में होती है, जिनमें हम नर्सरी तैयार करते हैं उन सभी में होती है। और नर्सरी हम किस किस में तैयार करते हैं, हम मिर्च के अंदर नर्सरी तैयार करते हैं, टमाटर के अंदर हम नर्सरी तैयार करते हैं, पपीता में हम नर्सरी तैयार करते हैं आदि, ठीक है ना। इवन यहाँ तक कि जिसमें हम पौधशाला में नर्सरी तैयार करते हैं वो उन सभी में क्या होता है, हमारे डंपिंग ऑफ डिजीज लगती हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और एक मैंने आपको बताया जो डंपिंग ऑफ जो डिजीज लगती है वो कहाँ पर लगती है, जहाँ पर पानी क्या हो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वहाँ पर ये डंपिंग ऑफ डिजीज लगती है। इससे पहले मैंने आपको एक विल्ट डिजीज बताई थी, विल्ट डिजीज जो होती है, यानी कि जो विल्ट जो रोग होता है, उगता जो रोग होता है, ये कहाँ पर लगता है, तो जहाँ पर पानी की कमी हो, सूखा वाला जो एरिया होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है, ठीक है ना। तो इनका कंट्रोल मेजर हम किस प्रकार से अपना सकते हैं, जहाँ पर विल्ट डिजीज लग रही है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, पानी अवेलेबल करवा देंगे तो उसमें विल्ट डिजीज नहीं लगेगी। और अगर पानी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पानी को जल निकास की सहायता से रिमूव कर देंगे, तो वहाँ पर हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा डंपिंग ऑफ से, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को ये समझ में आया होगा, इनोकुलम क्या होता है, विल्ट डिजीज क्या होती है, डंपिंग ऑफ किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है, और ये कहां पर लगता है, ये मैंने सभी आपको मैकेनिज्म सारा बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ के चर्चा करते हैं, हम रोट के बारे में चर्चा करते हैं, ROT रोट यानी गलन के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। एक याद रखना, मैंने जो डंपिंग ऑफ बताया आपको, डंपिंग ऑफ और रोट के अंदर डिफरेंट बिटवीन में आ सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं रोट का अर्थ क्या होता है, गलन, सड़न या इसको बोलते हैं वीक गलन, ये तीनों एक ही नाम होते हैं, ये याद रखना।
ठीक है ना, रोट। आप केवल इंग्लिश टर्म जो है वो याद रखना, रोट क्या होता है, आर ओ टी, रोट का अर्थ होता है गलन, सड़न या फिर विगलन, और एक होता है रूट, रूट का अर्थ होता है जड़ होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब हम इसमें चर्चा करते हैं जो रूट का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। रूट का अर्थ की बात करें तो जो रूट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो वो देख लेते हैं हम। रूट का जो सामान्य अर्थ होता है साथ ही वो होता है कवक व जीवाणुओं से संक्रमित भाग में, अगर कवक व जीवाणु से संक्रमित भागों में, कवक व जीवाणु से संक्रमित भागों में यदि सड़न पैदा हो जाती है, सड़न या गलन पैदा हो जाती है, गलन पैदा हो जाती है, और उसकी वजह से जो पौधा होता है वो पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं, हम रोट के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, रोट के नाम से जानते हैं। अब ये जो सड़न होती है कहाँ पर होती है, तो जो मुख्य जो पौधा होता है, ये मान लीजिए सॉरी, ये जो मुख्य जो पौधा है, इस मुख्य पौधे का ये तना है, अगर यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कवक व जीवाणु से संक्रमित भागों में अगर यहाँ पर हमें इनका इन्फेक्शन मिल रहा है, और इनका इन्फेक्शन अगर ज़्यादा होने लगता है, तो उस कंडीशन में जो अगर इनका इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे सड़ने लगते हैं, और सड़ने से इनमें बदबू आने लगती है, स्मेल आने लगती है, और धीरे धीरे वो जो पूरा पौधा होता है वो नष्ट हो जाता है, और हमें आर्थिक नुकसान ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो आपको डंपिंग ऑफ और रोट में याद रखना है, डंपिंग ऑफ में तो क्या होता है, जमीन की सतह से जो सीडलिंग वाले जो हम कह सकते हैं नवजात जो पौधे होते हैं उनमें नुकसान होता है, और इसकी वजह से जो रोट होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी गलन होती है, सड़न होती है, और जो मुख्य पौधा होता है, मुख्य तना जो होता है वो सड़ जाता है जमीन की सतह से, और इसमें क्या होता है, कवक व जीवाणु की वजह से सड़न पैदा हो जाती है, ठीक है ना। कवक व जीवाणु की वजह से सड़न पैदा हो जाती है, तो उसको हम रोट के नाम से जानते हैं। अब ये जो रोट होता है, ये रोट कई प्रकार का होता है, ठीक है ना। जैसे बात करें हम, रूट रोट हो जाएगा, जड़ गलन हो जाएगा, क्योंकि जड़ के अंदर भी कई सारे फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो ये इन्फेक्शन कर सकते हैं, तो उसे हम रूट रोट के नाम से जानेंगे। कई फ्रूट रोट भी होता है, ठीक है ना, फ्रूट रोट भी होता है, एक होता है इसमें फ्रूट रोट हो गया, स्टेम रूट हो गया, स्टेम रोट, ठीक है ना, स्टेम रोट में सड़न हो सकती है, तो उस वजह से पौधा नष्ट हो सकता है। एक होता है आपके सिलेबस में केवल तीन ही रोट बता रहे हैं, रूट रोट, फ्रूट रोट और स्टेम रोट, किसके अंदर, रोट के अंदर, लेकिन आपको दो टर्म और याद रखने साथ में इसमें, एक याद रखना है आपको बॉल रोट, एक याद रखना है आपको कोलर रोट, ठीक है ना, कोलर रोट, ठीक है ना। ये दोनों, ये जो सभी होते हैं ये कवक और जीवाणु से इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन सिलेबस के अंदर आपको केवल रोट के अंदर तीनों आपको एक साथ में लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन आपको ये दोनों अलग से लिखने हैं। बॉल रोट क्या होता है, तो ये जो कपास का जो बॉल होता है, कपास का जो फ्रूट टाइप होता है, फल प्रकार होता है, उसको हम बॉल के नाम से जानते हैं, और वो अगर सड़ने लग जाता है तो उस क्रिया को हम बॉल रोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बॉल रोट के नाम से जानते हैं। और ये किससे द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग होता है, जीवाणु के द्वारा होने वाला एक रोग होता है, और जो ये जीवाणु से होता है, जेंतोमोनास एक्जेनोपोरिस पेथावर मालवेसी एरम से होता है, पूरा नाम है उस बैक्टीरिया का। और इस बैक्टीरिया से जो जीवाणु अंगमारी होता है कपास के अंदर, वो चार स्टेज में कंप्लीट होता है, चार स्टेज में कंप्लीट होता है। एक तो होता है सीडलिंग स्टेज, एक होती है उसके अंदर ब्लैक आर्म स्टेज, और एक होती है उसके अंदर स्टेम स्टेज, और एक होती है इसके अंदर बॉल रोट, ठीक है ना। तो ये चार स्टेज में, एक का नाम क्या है इसमें, बॉल रोट एक स्टेज का नाम है, जो कौन सी चौथे नंबर की स्टेज होती है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो लेकिन आप केवल फिलहाल याद रखना बॉल रोट, ठीक है ना। और एक आता है कोलर रोट, कोलर रोट जो होता है मूंगफली के अंदर होता है, और ये एस्परजिलस नाइगर नाम है, एक कवक से होता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये उस मूंगफली में होता है, ये कपास में होता है, बाकी ये आपसे इसमें पता चल रहा है। स्टेम कहाँ पर होगा, तो तने में होगा, किसी में भी फ्रूट में होगा, और रूट रोट होगा जो जड़ के अंदर होगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे रूट रोट के बारे में। उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ के चर्चा करते हैं पैथोवार, ठीक है ना। पैथोवार के बारे में हम चर्चा करते हैं। पैथोवार की बात करें तो पैथोवार को शॉर्ट में किस नाम से लिखा जाता है, तो पीवी के नाम से लिखा जाता है। किस नाम से लिखा जाता है, पैथोवार। इसमें कंफ्यूज मत होना, पैथोजन अलग होता है। पैथोजन क्या होता है, तो रोग उत्पन्न करने वाला जो कारक होता है, उस कारक को हम पैथोजन के नाम से जानते हैं, रोग जनक के नाम से जानते हैं। लेकिन पैथोवार क्या होता है, तो पैथोवार एक टर्म होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पैथोवार क्या होता है, ये हम चर्चा करते हैं। तो पैथोवार जनरली क्या होता है, तो ऐसा या फिर हम कह सकते हैं एक ऐसा रोगजनक की प्रजाति जो एक ऐसा रोगजनक की प्रजाति जो विशेष विशेष पादप समूह की प्रजाति को ही नुकसान पहुंचाए, उसे हम पैथोवार के नाम से जानते हैं। पैथोवार किसे कहते हैं, तो एक ऐसा रोगजनक की प्रजाति। अब रोगजनक कोई सा भी हो सकता है, एक ऐसा रोगजनक की प्रजाति जो विशेष, ये याद रखना, विशेष पादप समूह की प्रजाति को नुकसान पहुंचाए, उसे हम क्या कहते हैं, पैथोवार के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करें नींबू का जो कैंकर जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है, उस जीवाणु का पूरा नाम क्या होता है, वो जो जीवाणु का पूरा नाम होता है वो होता है जेंथोमोनास, क्या होता है, जेंथोमोनास एक्जोनोपोडिस पैथोवार सिट्री,
ये पूरा पैथोजन जो होता है उसका नाम होता है नींबू के, नींबू वर्गीय जो कुल होते हैं उसके अंदर एक डिजीज लगती है और उस डिजीज का नाम है नींबू वर्गीय का कैंकर रोग, ठीक है ना। तो उसका जो रोगकारक जो होता है वो होता है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री होता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये केवल किस में नुकसान पहुंचाता है, सिट्रस ग्रुप में पहुंचाता है। तो जो परिभाषा क्या बता रही है तो वो एक बार सभी इधर ध्यान देना। एक ऐसा रोगजनक कौन सा हो गया हमारे, जैंथोमोनास रोगजनक हो गया जो नींबू का कैंकर डिजीज कॉज करता है, ठीक है ना। उसकी प्रजाति कौन सी हो गई, एक्सोनोपोडिस प्रजाति हो गई जो क्या करता है विशेष पादप समूह की प्रजाति, विशेष इसमें पादप समूह की प्रजाति कौन सी होगी, सिट्रस ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया, सिट्रस ग्रुप हो गया, जिसमें कौन सा हो गया हमारे सिट्री आ गया, यानी कि उसमें हमारे नींबू वर्गीय सारे पौधे आ गए जिसके अंदर क्या होता है हमारे कैंकर डिजीज होती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैथोवार किसे कहते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में जो कुछ और बचे हुए टर्म है उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं क्लोरोसिस के बारे में। क्लोरोसिस एक टर्म है, ये हमें पता होना चाहिए। क्लोरोसिस से रिलेटेड दो तीन टर्म होते हैं उनको हम एक साथ में देखते हैं ताकि आपके किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो और आपको एग्जाम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, एक हम चर्चा करेंगे क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस को हम हरी माहिंता के नाम से जानते हैं। एक चर्चा करेंगे हम इटियोलेशन यानी कि पांडुरता क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे क्लोरोसिस क्या होता है, इटियोलेशन क्या होता है। एक हम चर्चा करेंगे इसमें नेक्रोसिस के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी के नाम देख लेते हैं, क्लोरोसिस को हम हरी माहिंता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हरी माहिंता के नाम से जानते हैं। इटियोलेशन को हम पांडुरता के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, पांडुरता के नाम से जानते हैं। और नेक्रोसिस जो होता है इसको हम ऊतक क्षय के नाम से जानते हैं, क्या नाम, किस नाम से जानते हैं, ऊतक क्षय के नाम से जानते हैं। और ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। सबसे पहले आप नोट करना इन तीनों को एक साथ में लिखना, क्लोरोसिस क्या होता है, इटियोलेशन क्या होता है, नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है ना। अब इसमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं क्लोरोसिस के बारे में, चर्चा करते हैं क्लोरोसिस का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसके टर्म को पकड़ना, क्लोरोसिस में सबसे पहले देखना क्लोरो का अर्थ क्या होता है। क्लोरो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है हरेपन से होता है, किससे होता है, हरेपन से होता है। तो हम इसमें चर्चा करते हैं हरेपन की बात करें तो पौधे में रोगजनक के कारण, पौधे में रोगजनक के कारण हरापन समाप्त हो जाता है, हरापन समाप्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। यानी कि पौधे के अंदर जैसे पैथोजन अटैक करता है, इन्फेक्शन स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के सिम्टम प्लांट शो करने लगते हैं। और उस कंडीशन में जो प्लांट होता है वो जो उसका जो कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, हरा होता है, वो अपना कलर खो देता है और हरापन जो होता है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं, ये हमें याद रखना है। और जनरली जो क्लोरोसिस जो होता है ये जनरली जो वायरल डिजीज जो होती है, वायरस जनित जो बीमारी होती है उनकी वजह से क्लोरोसिस ज़्यादा होता है, ये हमें थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं इटियोलेशन या पांडु रता क्या होता है, तो ये इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा करते हैं इट्यूलेशन, उससे पहले थोड़े आपको दिक्कत होगी, अभी थोड़ी लाइट चली गई है तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, जैसे लाइट आ जाएगी आपको वैसे पहले जैसा दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा अगर आप पेशेंस बना के रखेगा, मेरा उद्देश्य आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाना, लेकिन अगर टेक्निकल कुछ खराबी आ जाती है, लाइट की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होगी तो उस कंडीशन में भी हम पूरा कोशिश करेंगे आपके पास में समय समय पर कंटेंट पहुँचता रहे, ठीक है ना। तो हम चर्चा करते हैं इट्यूलेशन के बारे में। इट्यूलेशन क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की कमी में, सूर्य के प्रकाश की कमी से यदि हरापन नष्ट हो जाए या समाप्त हो जाए, उस केस को हम क्या कहेंगे, इटियोलेशन या पांडुरता के नाम से जानेंगे। यानी कि दो टर्म आए हैं, जो हमारा हरापन है पौधे के अंदर जो ग्रीन पार्ट है, क्लोरोफिल है, वो दो कारण से समाप्त हो सकता है। एक तो पैथोजन की वजह से समाप्त हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरोसिस कहेंगे। अगर जो हरापन है उसके अंदर किसी प्रकार का पैथोजन नहीं लगा हुआ है, फिर भी अगर उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पा रही है, तो उसकी वजह से भी उसका जो ग्रीन पार्ट होता है, जो क्लोरोफिल होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और वो पीलापन लिए आ जाता है, उसके अंदर पीलापन आ जाता है। अगर पीलापन आ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इटियोलेशन या पांडुरता कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि पांडुरता और या फिर इटियोलेशन और क्लोरोसिस में क्या डिफरेंट है, तो ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं जो पांडुरता जो होता है ये किस वजह से हो सकता है। तो इसमें सूर्य की प्रकाश की कमी, अब ये सूर्य का जो प्रकाश की इसमें कमी आ रही है ये कहां से आ रही है, तो ये कहां से आती है, तो ये जो सूर्य के जो प्रकाश में जो कमी आती है ये किसकी वजह से आती है, मौसम परिवर्तन की वजह से,
वर्तमान मौसम के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में कमी आ जाती है। जैसे हम बात करें मौसम में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले हो सकता है जो बादल होते हैं वो सनलाइट के बीच में आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है, जो धूल के जो कण होते हैं वो आ जाए तो भी सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें जो जलवाष्प होती है, अगर उसका संघनन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में भी सनलाइट जो होती है वो प्रॉपर जमीन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस केस में हमारे पौधे के अंदर जो पीलापन होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें और भी कई सारी कंडीशन होती है, जैसे हम बात करें अगर बारिश लगातार हो रही है तो उस कंडीशन में भी सूर्य का प्रकाश प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, ये तो हो जाती है हमारे बरसात वाले सीजन में। और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, उसके बाद आते हैं हम जो हमारा विंटर सीजन जो होता है, जो शीत ऋतु होती है उसके अंदर क्या होता है, धुंध एवं कोहरा जो होता है वो ज़्यादा पड़ता है। जैसे जितना ज़्यादा कोहरा और धुंध ज़्यादा पड़ेगा उसी कंडीशन में क्या होगा, जो सनलाइट होगी वो प्रॉपर प्लांट तक नहीं पहुंच पाती है, और जैसे जैसे सनलाइट की कमी होती जाएगी वैसे वैसे जो हरापन है, ग्रीन पार्ट जो क्लोरोफिल है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और ये यूट्यूलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम बात करें जो ये जो यूट्यूलेशन जो होती है, ये एक तो मौसम के परिवर्तन की वजह से होता है, एक जो होता है ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारे कई दिनों बाद किस प्रकार से होता है, तो वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक मिनट रुकना आप, ठीक है ना। जो इट्यूलेशन जो होता है ये कई दिनों बाद होता है, जैसे मान लीजिए मौसम में जो परिवर्तन होता है, मौसम पल पल में बदलता रहता है, यानी कि हर 2-5 मिनट में ही मौसम बदलता रहता है, तो उस कंडीशन में इट्यूलेशन कभी नहीं होगा, जब तक कई दिनों तक एक जैसा मौसम नहीं रहेगा तब तक हमारा इट्यूलेशन नहीं होगा। और ये जो जनरली जो इट्यूलेशन जो होने की जो संभावना होती है वो कब होती है, तो एक तो होती है ज़्यादा वर्षा के टाइम पर होता है, क्योंकि कई कई जगह हम देखते हैं जो वर्षा होती है वो लगातार 10-12 दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है, तो उस कंडीशन में प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती है और पौधे के अंदर जो हरापन होता है वो समाप्त हो जाता है। और एक होता है ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं ज़्यादा धुंध एवं कोहरा होने की वजह से, अगर कई दिनों तक धुंध एवं कोहरा रहेगा तो धीरे धीरे पौधे के अंदर क्लोरोफिल खत्म हो जाएगा और वो उसमें क्लोरोसिस हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं इट्यूलेशन हो जाएगा, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो किसकी वजह से होता है, इसके अंदर किसी प्रकार का बायोटिक फैक्टर काम कार्य नहीं करता है, ये हमें याद रखना है। जो इट्यूलेशन जो होता है ये इसमें किसी प्रकार का बायोटिक फैक्टर कार्य नहीं करता है, ये हमें याद रखना है। लेकिन इसके अंदर बायोटिक फैक्टर कार्य करता है, जो क्लोरोसिस होती है इसके अंदर बायोटिक, एबायोटिक और हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट बायोटिक जो होते हैं वो तीनों प्रकार के काम करते हैं। इसमें केवल एबायोटिक फैक्टर कार्य करता है, जिसके अंदर हमारा तापमान आ जाता है, मौसम आ जाता है, या फिर हम कह सकते हैं सोइल, ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं, जो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इंट्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम नेक्रोसिस के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्रोसिस क्या होता है, तो नेक्रोसिस के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो ये हो जाएगा जैसे ही जो पैथोजन होता है, पैथोजन के अटैक, पैथोजन के संक्रमण के बाद जो पैथोजन जो होता है वो जैसे ही होस्ट के अंदर जो परपोसी होता है उसके अंदर जैसे ही संक्रमण करता है, पैथोजन के संक्रमण के बाद मृत हुई कोशिका व टिश्यू को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं, यानी कि ऊतकक्षय कहते हैं। तो ऊतकक्षय किसे कहते हैं, जब पैथोजन का आक्रमण हो जाता है और उस आक्रमण की वजह से जो भी कोशिका होती है और जो टिश्यू होते हैं ऊतक हो जाते हैं, वो किस प्रकार के हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, नेक्रोसिस कहेंगे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है, नेक्रोसिस होने की संभावना प्रबल होती है, क्योंकि कोई से भी डिजीज लगेगी, चाहे वो फंगल डिजीज हो चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, तो उस केस में ज्यादातर जो होने की संभावना होती है, एक तो क्लोरोफिल तो नहीं होगा, ये नेक्रोसिस होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ठीक है ना। क्लोरोसिस जो होती है सबसे ज्यादा वायरल डिजीज के अंदर होने की संभावना ज्यादा रहती है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में 2-3 टर्म और बचे हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगली जो हमारा टर्म आएगा वो आ जाएगा इसके अंदर फाइलोडी, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, फाइलोडी। अगला जो हमारे टर्म आएगा वो आ जाएगा साथियों कौन सा, फाइलोडी, ठीक है ना। इसको हिंदी में हम फाइलोडी के नाम से जानते हैं, फाइलोडी आ जाएगा। एक आ जाएगा सिस्टेमिक, ठीक है ना। अब ये सिस्टेमिक किसी भी प्रकार का हो सकता है, सिस्टेमिक फंगिसाइड हो सकता है, सिस्टेमिक डिजीज हो सकती है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ में एक टर्म देखेंगे हम स्केब, कौन सा टर्म देखेंगे, स्केब, ठीक है ना। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम फाइलोडी की बात करें, फाइलोडी का अर्थ क्या होता है, तो जो भी पौधे के जो भी पुष्पीय भाग होते हैं, पौधे के जो भी पुष्पीय भाग होते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी प्लांट का जो फ्लावर पार्ट होते हैं, जितने भी पुष्पीय भाग होते हैं, जिसके अंदर हमारे कैलिक्स आ गया, कोरोला आ गया, एंडोसियम आ गया और गाइनोसियम, यानी स्त्री केसर, पुंकेसर और दलपुंज और बाह्य दलपुंज, ये पौधे के चार भाग होते हैं। इन चार भागों का किसमें बदलना, इन जो ये चार ही भाग होते हैं पौधे के पुष्पीय भाग के, इन चारों भागों का किसमें बदलना, पत्ती सदृश्य संरचना में बदलना, पत्ती सदृश्य संरचना में बदलना, या लीफ लाइक
स्ट्रक्चर में बदलना क्या कहलाता है हमारे, फाइलोडी कहलाता है। तो फाइलोडी क्या होते हैं, तो पुष्पीय भागों का पत्ती सदृश संरचना में बदलना क्या कहलाता है, फाइलोडी कहलाता है, ये हमें याद रखना है। और ये जो फाइलोडी जो होता है ये किसकी वजह से होता है, तो ये जो फाइलोडी होता है ये PPLO माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, इसी को फाइटोप्लाज्मा कहते हैं, इसी को MLOS के नाम से जानते हैं, इसी को PPLO के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना है। जिसकी कोड डोए एवं उसके साथियों के द्वारा की गई थी, ये हमें याद रखना है। इसी के साथ में जो फाइलोडी डिजीज होती है किस किस में होती है, तो बैंगन के अंदर लघुपति जो रोग होता है वो फाइलोडी की वजह से होता है। तिल के अंदर फाइलोडी डिजीज लगती है वो हमें याद रखना है। एक होता है शुगर कैन के अंदर ग्रासी स्टेम डिजीज लगती है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो तीन बीमारी याद रखनी कौन कौन सी, शुगर कैन, ग्रासी स्टेम, नंबर सेकंड हो जाएगा बैंगन का लघुपति रोग, और एक हो जाएगा हमारे तिल का फाइलोडी रोग। ठीक है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम सिस्टमैटिक चर्चा करते हैं। सिस्टमिक क्या होता है, सिस्टमिक का अर्थ होता है सर्वांगी। इसको हिंदी में किस नाम से जानते हैं, तो हम इसको सर्वांगी के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हमने किसी भी जीव, किसी भी होस्ट के ऊपर अगर एक भाग, कोई सा भी पार्ट में अगर हमने केमिकल डाल दिया या फिर हमने पैथोजन डाल दिया, तो वो पूरे सिस्टम, पूरे जो पौधे का जो सिस्टम होता है उसमें फैल जाता है, उसी को हम सिस्टमैटिक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, सिस्टमिक या सिस्टमैटिक टर्म यूज करते हैं उसके लिए। तो एक किसी भी जीव के एक भाग पर उपयोग करने पर वह पूरे शरीर में फैलकर अपना लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है ना, शरीर में फैलकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं या फिर लक्षण दर्शाते हैं, ये हमें याद रखना। ठीक है ना, अब ये जो सिस्टमेटिक होता है, ये सिस्टमिक एक तो हो सकता है कवकनाशी, हो सकता है सिस्टमिक कवकनाशी, सिस्टमिक फंगीसाइड। यानी कि मान लीजिए सिस्टमिक फंगीसाइड की बात करें, तो जैसे बात उदाहरण के रूप में हो जाएगा कार्बनडाजिम। सिस्टमिक फंगीसाइड की बात करें तो कार्बनडाजिम जो फंगीसाइड है ये सिस्टमिक है। यानी कि मान लीजिए इसका प्रयोग हमने अगर पत्ती के लिए भाग पर भी किया, तो वो पूरे पत्ती के माध्यम से पूरे पौधे में फैलकर अपना प्रभाव दर्शाएगा। और कार्बनडाइजिंग का अगर प्रयोग हमने तने के अंदर किया, तो भी वो पूरे पौधे में फैलकर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये होता है हमारे सिस्टमेटिक किसके केस में, फंगस के केस में। ठीक है ना, फंगीसाइड के केस में। यदि हम बात करें पैथोजन के केस में, तो पैथोजन के केस के अंदर अगर हम बात करें, तो जो भी वायरस जनित जितनी भी डिजीज होती है, वायरस के द्वारा होने वाली जितनी भी बीमारियां होती है, वो किस प्रकार की होती है, सिस्टमेटिक डिजीज होती है। यानी कि ये जो वायरस वाले जो भी डिजीज करते हैं, इनको ले जाने वाला जो कारक होता है वो कौन होता है, वेक्टर होता है। जैसे हम बात करें सफेद मक्खी हो गया, थ्रिप्स हो गया, सफेद मक्खी हो गया, थ्रिप्स हो गया, ग्रेमिनिस पॉलीमिक्सा, एक पॉलीमिक्सा ग्रेमिनिस एक वायरस होता है जो इंडियन मूंगफली का इंडियन पीनट क्लम वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का काम करता है। अगर वायरस का एक अंश भी या एक कण भी पौधे के पत्ती पर भी गिर जाता है, तो वो पूरे पौधे में फैलकर पूरे पौधे को संक्रमित कर सकता है। उसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक नाम देते हैं। तो वो हमारे किसके अंदर आ जाएगा, डिजीज के अंदर आ जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे वायरस जनित जो बीमारियां होती है वो सिस्टमैटिक होती है। अगर हम फंगीसाइड की बात करेंगे, तो वो हमारे सिस्टमेटिक फंगीसाइड के अंदर आ जाएगा। जैसे हम याद रखना, हमें कार्बनडाइजिम याद रखना। ठीक है, उसके बाद में हम स्केप की बात करें, तो स्केप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो स्केप की डेफिनेशन हो जाएगी साथियों, इसमें स्केप का अर्थ क्या होता है, तो स्केप का अर्थ हो जाएगा रोगग्रस्त भाग पर खुरदरी व जो भी हमारा रोगग्रस्त भाग होगा, रोगग्रस्त भाग पर खुरदरी व उबार लिए त्वचा दिखाई देना क्या कहलाता है, स्केप कहलाता है। यानी कि जो भी इन्फेक्शन पार्ट वाला, जो भी रोगग्रस्त जो भाग मान लीजिए तना है, पत्ती है, उसके ऊपर अगर हमें खुरदरी संरचना, अगर उसको जैसे हम स्पर्श करेंगे, तो वो अगर हमें खुरदरी दिखाई देगी, यानी कि उसके ऊपर हमें कुछ स्पर्श करेंगे जैसे, तो उसके ऊपर हमें रफ जैसे अगर कोई स्ट्रक्चर दिखाई देगी या उबाल या कुछ दिखाई देगी, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्केप सिम्टम कहलाएंगे, ये हमें याद रखना है। जैसे हम बात करें सेब का स्केप, जैसे हो जाएगा सेब का स्केप। ठीक है ना, स्केप का स्केप याद रखना है। स्केप का अर्थ क्या होता है वो मैंने बता दिया। इसी के साथ में हमारे फाइलोडी, सिस्टमिक और स्केप तीनों टर्म कंप्लीट होते हैं। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। ठीक है ना, इसी के साथ में हमारे जो भी मेन जो टर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से अगर कोई भी छूट गया, तो हम इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने सभी आपको यहाँ पर बोर्ड पर बता दिया डिटेल से, और इनके क्या क्या प्रमुख सिम्टम होते हैं वो भी मैंने बता दिया। और इनमें से जो एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा जाता है, वो हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर हो सकता है आपके कोई डेफिनेशन देकर आपको उसमें से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है ना, तो प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, तो हमें हर तरह से तैयार रहना। इसी के साथ में आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया, तो अपने साथियों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रमुख शब्दावली कंप्लीट होती है, उसके बाद में हम देखेंगे जो भी हमारे इस सेमेस्टर के अंदर जितने भी डिजीज दे रखी है, उन डिजीज के जो भी पैथोजन है, उन पैथोजन को नाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। उनका एक सेशन में हम पूरा जितने भी लगभग 60 के आसपास जो भी पैथोजन है, उनको हम कवर करेंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पैथोजन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।